अभी मैडम कर रहे मैडम के साथ जबरदस्ती किया था। क्या बात है आपके, क्या बात है बोलिए। क्या बात है सर बोलिए, क्या कर रहे हैं? आई लव यू लड़की लोग गांव में हंगामा हुआ है, हंगामा में क्या कुछ कर रहा नमस्कार। इस वक्त मैं रोहतास जिला के सनौरा प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण जनता जुट गए हैं। ग्रामीण जनता क्या कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हंगामा हो रहा है, क्या बात का हंगामा हो रहा है, उसी का आइए पड़ताल में हम यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय सनौरा में आए हैं। क्या ग्रामीण कहते हैं जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहते हैं टीचर यहाँ के, क्या कहते हैं बच्चा, बारी बारी से हम इस पर संज्ञान बयान लेंगे। क्या कुछ हमारे साथ अभिन यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि है उपेंद्र जी, आइए इस मैटर पे क्या कुछ कहते हैं बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव हुआ। यहाँ पर ग्रामीण जनता उपस्थित है, इस बीच में आप आए हैं, क्या कुछ हो रहा है इसमें? इसमें यही बात सुनने को मिला कि एक टीचर है जिनका नाम क्या है, नाम इश्तियाक अहमद उनका नाम है, और एक बच्ची के साथ कोई भी बच्ची के साथ अगर दुष्व्यवहार है या मान लीजिए कि गलत बात किए हैं तब तो इनके ऊपर ग्रामीण जनता और बच्ची लोग कह रही हैं। आज से कुछ दिन पहले 50 साल से स्कूल विद्यालय चल रहा है, इस तरह का किसी टीचर पर दोषारोपण बात नहीं हुई, आज इस तरह का बात कहीं ना कहीं इनका जरूर गलती है, हमको यही एहसास हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी तो ग्रामीण जनता का मोमेंट है, इन लोगों का कहना है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी तक ये कैसे पता चला, कुछ जानकारी आपको? जानकारी ग्रामीण जनता के द्वारा हुई है कि बच्ची जो है कुछ ना कुछ इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये जो है ढंग के बात नहीं करते हैं, बेढंगा बात करते हैं, और कुछ ना कुछ इनका जरूर कमी महसूस हमको हो रहा है। इस पर आप अपने तरफ से क्या एक्शन लेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगा कि इनको मेरे तरफ से जितना भी होगा बन सके इनके खिलाफ में मैं कार्रवाई करने के लिए अग्रेसर हूँ। देखिए मेरे साथ ग्रामीण है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? अब देखिए हम तो यही कहेंगे, हम लोग ग्रामीण जनता है, हम लोग यहाँ बहन भाई लोग पढ़ता है, हम लोग भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, ये स्कूल लगभग 50 साल से चल रहा है, आज तक इस तरह से मैटर हमारे स्कूल में और हमारे गांव में नहीं आया, ये पहली बार ये हमारी बच्ची के मुंह से सुनने को मिल रहा है एक महीने से, लेकिन हम लोग कभी स्कूल में आज तक प्रिंसिपल साहब को आदे कि कोई मैटर लेके आया होगा, हम लोग किसी दिन गाँव के लोग यहाँ मैटर लेके नहीं आता है, ये लड़का लड़की का मैटर है, छोटी छोटी लड़की ही बोल रही है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे सर काम करते हैं, हम लोग नहीं विश्वास कर रहे थे, लड़की लोग माँ के पास रो रही थी कि ना आप लोग चलिए स्कूल में सर से कहिए कि सर का तो कुछ और कर रहे हैं, और हम लोग क्या कहें, अब तो हम लोग शर्मिंदा है गाँव के प्रति, ये ऐसा ऐसा घृणा काम किए हैं, इनके ऊपर जितना कठोर कार्रवाई किया जाए उतना कम है। ठीक है मेरे साथ देखिए जो जिस पर आरोप लग रहा है उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं इस मामला में? क्या सर कुछ क्या कहेंगे आप? क्या कुछ कहेंगे आपके साथ, क्या हो रहा है? अरे सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा, हम तो कुछ जानकारी है बच्चे, हम उन बच्चों को क्लास दे रही हूँ थ्री में, मेरा 6-8 का क्लास है, हम 6-8 के टीचर हैं और वो बच्चे 3 के हैं, मान लीजिए उन बच्चों को तो मतलब कि हम क्लास में नहीं, हमको हम आश्चर्य में कि ये क्या हो रहा है, अगर कभी भी आज तक मेरे साथ नहीं, मेरे से इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम आश्चर्य हो रहा कि आखिर ये
तो आज भी आई हो बच्चा रिद्धि, तब उसको बुला कर तो अभी हम बच्चा से बात किए तो कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अभी नहीं कि आज बताइए कि हम उस दिन तक हम जो है कि लाश अपने सफाई में कहे हैं प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य क्या कुछ कहते हैं, शांत रहिए एक मिनट शांत रहिए, प्रधानाचार्य क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस पर नमला पर ग्रामीण लोग हमारा हाँ इस समय ऊपर जिम्मेवारी है, पूरा जनता को उम्मीद है, यहाँ टीचर के भी उम्मीद आपके ऊपर टिका हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी आ चुके हैं। मैं सुनील सोनी इस स्कूल का प्रधानाध्यापक हूँ। आज ग्रामीण जनता के द्वारा बैड टच का मामला आया है। एक शिक्षक जो हमारे स्कूल में बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं और चूंकि आज तक इस तरह का मामला नहीं आया है, और हम लोग स्कूल में जितने बच्चियां हैं या बच्चे हैं अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते हैं, अपना बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। अगर बैड टच इनके द्वारा किया गया है उच्चाधिकारी सर, सर एक बात रह मेरा, इतना ग्रामीण आया है आप उच्च अधिकारी से अभी तक सूचना दिया है कि नहीं? हम वही बोल रहे हैं, उच्चाधिकारी को हमने सूचना अभी तुरंत दिया, मुखिया जी से भी बात कराए, इसके बाद मामला अब क्या उचित इन पर कार्यवाही हो सकती है निश्चित रूप से विभाग करेगी। इस तरह से ग्रामीण लोग उग्र हैं इसको लेकर, आपने थाने को आवेदन सूचना दिया है कि नहीं? इस तरह से अभी हमको 5-10 मिनट पहले मालूम हुआ है इस तरह की बात, क्योंकि आज के पहले ना वो बच्ची बोली है ना उसके गार्जियन बोले हैं। हमारे स्कूल में 3 महिला टीचर हैं, जिसमें दो महिला टीचर इस गांव की हैं, ठीक है। अगर इस तरह का मामला है तो पहले तो महिला टीचर को बोलना चाहिए, महिला टीचर के बाद मैंने ये लोग प्लानिंग करके इनके बाद रसोईया हमारे यहाँ 4 हैं, आपका साथ में महिला है, कहना है सर कुछ बताइए इसमें अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि उच्चाधिकारी को हमने सूचना दे दिया है, उसमें लिखित रूप से इनका आवेदन जाएगा, जो भी डिसीजन होगा उच्चाधिकारी का होगा। हमारे द्वारा निश्चित रूप से इनके विरुद्ध टिप्पणी जाएगा। चलिए हम एक साथ मेरे ग्रामीण है पूछ कर रहे सुनिए, आज तक यह तक पढ़ाई हुआ हम लोग 50-60 बरस से देख रहे हैं, मेरा भी उम्र हो गया, दाढ़ी मूछ पक गया, ऐसा मास्टर इस स्कूल में कभी नहीं आया था। आज जब शिक्षक मास्टर पढ़ा रहा है छोटा छोटा बच्ची को, तो बच्ची को सिखा रहा है कि आई लव बोलो करते हैं। और उसका गाल पकड़ के ऐसा ऐसा करता है, बोलता है कि घर मत कर। देखिए चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अंबिका सिन्हा, हेडमास्टर। सुनिए ना अभी रखिए, और हेडमास्टर से लड़की लोग बोलता है तो हेडमास्टर क्या बोलता है कि जाओ अपना मास्टर ले समझो कर। अभी ये स्कूल परिसर है, आप लोग पर प्रधानाचार्य चाहे स्कूल के टीचर के द्वारा दिया जाए, ये मास्टर हेडमास्टर दोनों का जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप लोगों के द्वारा अभी यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है, अगर इन लोग के द्वारा आवेदन दे दिया जाता है थाना में तो आप लोग फंस जाइएगा। फंस कैसे जाएंगे, लड़की के बाद कौन करेगा, लोग बच्चा ने पढ़ाने के लिए आया है कि गलती सिखाने के लिए क्या ही बोलो। तो ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आप? समाज सेवी है देखिए, एक मेरे साथ यही लड़की है, तो बहुत ही लड़की है, क्या कुछ कहेंगे सुनिए ना। हमारे आज भी ये बच्चे आई है, हम चलिए बहुत ही यहाँ पर माहौल खराब है, हम चाहेंगे कि यहाँ पर अभी तक प्रशासन भी नहीं आया है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग आए हैं लेकिन आधा घंटा से यहाँ पर हंगामा हो रहा है, यहाँ के ना वरीय अधिकारी ना प्रशासन आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण के द्वारा उग्र है पूरा, लेकिन यहाँ तक वरीय अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं, ना ही यहाँ के प्रशासन, यहाँ के स्थानीय प्रशासन मौके पर घटना स्थल पर पहुंचे हैं। आखिर क्या सेटिंग हो रहा है, जनप्रतिनिधि और टीचर और ग्रामीणों में क्या कुछ करेंगे आगे चल के क्या कुछ मामला मिला है यहाँ पर? मामला आने पर लोगों की भीड़ थी,
बच्चों के द्वारा भी थाना से आए हुए पदाधिकारी हैं, उनके बीच बयान भी हुआ है, हम लोगों ने ये सुना है और कानूनन कार्रवाई के तहत इन लोगों का अरेस्टिंग हो रही है। बाकी जो विभागीय स्तर पर कार्रवाई होगी हम लोग भी करेंगे। कब तक कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई अभी तो ये कानूनन कार्रवाई की बात हो रही है और बाकी जो विभागीय स्तर पर सेवा संबंधी कार्रवाई होगी। क्या आरोप है लोग पर? आरोप तो बच्चियों के साथ बैड टच, छेड़खानी वगैरह का मामला प्रथम दृष्टया आया है। अभी जांच के विषय ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा, जांच के बाद कुछ पता चलेगा जी। अपने स्तर से गार्जियन को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हम गार्जियन को आश्वासन देना चाहते हैं जो कोई भी इस तरह की कोई शिकायत हो तो निर्भीकता से अपनी बातों को विभाग पर रखना चाहिए ताकि दोषी को कड़ी से कड़ी हम लोग सजा दिलवा सकें। क्या नाम हुआ सर? रजनीश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, तिलौट प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। थैंक यू सर। क्या मामला एक आदमी पर है? एक आदमी का है कि हम लोगों की बात को सुनते नहीं थे, हम लोगों को भगा देते थे और कहते थे कि तुम लोग जाओ भागो ना तो मारेंगे। ये बयान लड़कियों के द्वारा मिला है। देखिए पूछताछ कीजिए कि स्कूल के मास्टर लोगों का क्या बिहेव है, आप लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं। ये जनता का अधिकार है, संविधान में आपको अधिकार मिला है, जान लीजिए पहले। ठीक है सर, आश्वास के पासवर्ड का नहीं है। अब यही बात अब उनके आप बोल।